कुछ लूट डकैती की घटनाएं हुई थी, उन सभी घटनाओं का जो है सफल उद्भेदन हो गया है और सभी जो एक्यूज थे एक शेष रहते हुए बाकी सबकी गिरफ्तारी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं सुमित आपके साथ। जम्मू में लूट कांड का उद्भेदन हुआ है जिसमें 7 जो लुटेरे हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, जमुई के अलावा लखीसराय और शेखपुरा जिले में भी लूट कांड को अंजाम देने वाले 7 अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। जमुई पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। जमुई की ही पुलिस में सिकंदरा थाने के थाना प्रभारी, चंद्रदीप थाना के थाना प्रभारी, लछुआड़ थाना के थाना प्रभारी और DIU की जो टीम है उसे एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें लखीसराय थाना क्षेत्र में, जमुई थाना क्षेत्र में और शेखपुरा थाना क्षेत्र में हुए लूट कांडों का सफल उद्भेदन किया गया है। साथ ही जो लूटे हुए जो सामान हैं, जो बाइक हैं, जो हथियार हैं, जो मोबाइल्स हैं, उन सभी को भी जम्मू पुलिस ने बरामद किया है। जम्मू के जो SP हैं चंद्र प्रकाश, उन्होंने PC बुलाया है और सारी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू के SP, आइए सुन लीजिए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीती 6 और 7 तारीख को जो है हमारे ज़िले में, शेखपुरा ज़िले में और लखीसराय ज़िले के बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो है कुछ लूट डकैती की घटनाएं हुई थी। उन सभी घटनाओं का जो है सफल उद्भेदन हो गया है और सभी जो एक्यूज थे एक शेष रहते हुए बाकी सबकी गिरफ्तारी हो गई है। इसी संबंध में आप लोगों को आज बताना है कि 3 हमारे क्षेत्र में जो घटनाएं हुई थी, एक जो है हमारा चंद्रदीप थाने में हुआ था, एक सिकंदरा थाने में हुआ था और एक लछुआड़ थाना क्षेत्र में हुआ था घटना। तीनों घटनाओं में जो है जो अभियुक्त जो घटना को कारित किए थे उन तीनों के उन सभी के जो है नाम इस प्रकार है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। दीपू कुमार, ये पेशर गोविंद चौधरी है, उम्र 22 वर्ष है। नवलेश कुमार है जो जिनका उम्र 18 वर्ष है, पेशर योगेश्वर यादव है। विपिन कुमार है, ये पेशर तरुण यादव है, साकिन हैदरा है। चंदन कुमार है, उम्र 19 वर्ष है, पेशर बनारस पासवान। नीतीश कुमार, उम्र 18 वर्ष, पेशर राजेश यादव। रोहित कुमार, उम्र 19 वर्ष, पेशर संजय ठाकुर। नीरज कुमार, उम्र 20 वर्ष, पेशर अशोक यादव। इन सब की जो है गिरफ्तारी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई थी। हमारी टीम जैसे ही घटना कारित हुई थी तुरंत जो है हमारी तकनीकी जो टीम्स हैं और जो हमारे संबंधित थाना अध्यक्ष और जो अनुसंधानकर्ता थे उन्होंने अनुसंधान प्रारंभ किया था और जितने भी CCTV साक्ष्य आए और जो भी तकनीकी साक्ष्य वहाँ से प्राप्त किए गए उसके आधार पर हमने जो है घंटों के भीतर ही जो है छापेमारी शुरू कर दी थी। और इसमें ऐसा पाया गया कि ये जो है घटना करने वाले लोग जो है इन्होंने जो है जो जो मोबाइल लूट में इन्होंने वहाँ से प्राप्त किया था उसका इनके द्वारा प्रयोग किया गया, ऐसा तकनीकी जो है हमें साक्ष्य हमने प्राप्त किए। और फिर उसके आधार पर जो है हमारी टीम चेवारा में रेड की और वहाँ से जो है मोबाइल जो घटना में लोगों ने प्राप्त किया था उसको हमने वहाँ से जो है रिसीव किया इनके निशानदेही पे, और जो मोटरसाइकिल इन लोगों ने छीन लिया था उसे भी हमने विभिन्न जगहों से जो है रिकवर किया है। तो इस घटना में कुल जो है हमने अभी तक जो है घटना में जितने अगर आप देखें तो चंद्रदीप में 3 मोबाइल फ़ोन जो है हमने रिकवर किए हैं, हैदरा से जो है हमने 3 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, तो कुल मिलाकर जो है हमने यहाँ इसमें 13 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र में जितनी घटनाएं हुई थी उसमें एक मोबाइल फ़ोन छोड़कर सभी मोबाइल फ़ोन जो अभी रिकवर हो चुका है। इसी तरह जो मोटरसाइकिल जितने छीने गए थे उसमें सभी मोटरसाइकिल जो है रिकवर हो गई है, जो दूसरे ज़िले के जो घटनाएं हुई थी उसकी भी मोटरसाइकिल है उसमें, और हमारे जो 3 घटनाएं हैं उनकी 3 मोटरसाइकिल है जो रिकवर हो गई है। एक और मोटरसाइकिल हमने सीज़ किया है जो कि घटना में प्रयुक्त किया गया था और इसकी नहीं फिलहाल तो अभी ये सब जो आए हैं सभी नोविस हैं, ठीक है ना। और ये इनका यही है कि इन्होंने अपनी गलती की कि इन्होंने जो है घटना में प्रयुक्त जो भी घटना में जो इन्होंने प्राप्त किया था जो फ़ोन उसका इस्तेमाल किया, जिससे ये पता चलता है कि इन्हें जो है इन्होंने घटना इससे पहले इनकी जो आपराधिक जो क्षमता है या आपराधिक जो एंटीसीडेंट है वो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं, अगर इनकी कुछ आती है तो इनके बारे में बताएंगे आप। ये जैसे मैंने आपको बताया सबका जो है आपको घर भी बता दिया, जगह भी बताया मैंने आपको। देखिए जैसे मैं बता दूँ आपको, इसमें से 2-3 लोगों की हैदरा में गिरफ्तारी की गई है और 2 लोगों की चेवारा 3 लोगों की चेवारा से गिरफ्तारी की गई है और 1 व्यक्ति की जो है
मंदरा से चंद्रदीप से गिरफ्तारी की गई है। ये सब विभिन्न जगहों के है जो हमें आपसे शेयर भी कर देंगे। कौवाकोल का है कुछ व्यक्ति हैदरा के ही है, कुछ व्यक्ति जो है चेवाड़ा के है रहने वाले, और कोई जो है मंदरा का ही रहने वाला है। सर, माना जाए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग था जो काफी दिनों से इस लूटपाट नहीं काफी दिनों से कहना उचित नहीं होगा, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जरूर था। ये कुछ लोग थे जो इन्होंने सोचा कि ये आसान टारगेट बना सकते हैं वहाँ के लोगों को, जो कि उनकी मंशा पे पानी फेरा है हम लोगों ने। और इसमें मेनली यही था कि इन लोग जो है अभी जस्ट स्टार्ट किए थे और हमने उसको बहुत जल्दी पकड़ने का काम किया। कट्टा भी जो है छापेमारी के क्रम में उनके द्वारा निशानदेही पे हमने बरामद की है, और सभी जब्त चीज़ों को जो है हम लोग माननीय न्यायालय में जो है सीजर मेमो बना करके जो है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हमारी टीम की काफ़ी अच्छी इसमें जो है कोशिश हुई, और इसमें हमारे जो संबंधित तीनों थानाध्यक्ष थे और जो हमारी DIU की टीम थी और जो हमारे जो छापेमारी दल थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है इस पर भी फोकस किया है कि जो आगे से जो है इस एरिया में जो है पुलिस की एब्सेंस की वजह से घटनाएँ ना हो सके, इसके लिए हम लोगों ने जो है जो डायल 112 की गाड़ियां होती है जिसके संबंध में आपको पता होगा, उसको हम लोगों ने उस क्षेत्र। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू के SP चंद्र प्रकाश, उन्होंने कहा है कि जमुई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें अंतर जिला गिरोह लगभग 7 अपराधी जिसमें 1 अपराधी जो है वो बच गया है, जिसकी भी गिरफ्तारी के लिए जमुई पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है। लेकिन अंतर जिला गिरोह है जो लूट कांड को अंजाम देता था उसको लेकर जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 7 अपराधी जमुई पुलिस के गिरफ्त में हैं, और भी जो लोग बचे हुए हैं उसके लिए भी जमुई पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।